ओ गाइस यार, तुम लोग देख रहे हो, मैं मोबाइल पे चेक कर रहा हूँ यार, लॉस सैंटोस में यार कितने खतरनाक खतरनाक वाले टीवी मैन के सूट है यार, देख रहे सिंचेन। हाँ सुमित भैया, बहुत ज्यादा मस्त मस्त है। काश यार मेरे पास भी इतने सारे टीवी मैन के सूट होते। छोड़ो यार, पर क्या करूँ गाइस यार, मेरे पास तो सिर्फ एक ही टीवी मैन का सूट है, और वो भी देखो यार, ये सबसे सस्ता वाला है यार, सिर्फ $10 का सूट है यार। काश हमारे पास और होते यार। हाँ सुमित भैया, ये वाला तो बहुत ज्यादा बेकार है, कोई अच्छा सा सूट लेके आओ ना। अबे सिंचन, मेरे पास पैसे नहीं है और सूट लाने के लिए, और हमारे पास सिर्फ यही सबसे गंदा वाला सूट है। अरे सुन, एक काम करो ना, हम और सूट्स लेके आते हैं। अबे सिंचन, कहाँ से लेके आएगा तू? तेरा चाचा बेच रहा है क्या? अरे सुमित भैया, हमारे पास कुछ करने के लिए भी नहीं है, चलो जाके सूट्स चुराते हैं। वो भाई सिंचन, तू सही कह रहा है यार, अपने पास वैसे भी कुछ करने के लिए नहीं है, और अपने पास सिर्फ एक ही टीवी मैन का सूट है। चल यार, अपा दोनों मिलके और भी बहुत सारे टीवी मैन के सूट चुराएंगे यार, उसमें मजा भी आने वाला है। चलो गाइस यार, आप हम दोनों मिलके चुराते हैं टीवी मैन के बहुत ज्यादा सूट्स। अबे गाड़ी कहाँ है? अरे सुन, मुझे क्या पता कहाँ गई है। अबे सर्विस के लिए दे रखी है। अबे यार पैदल ही जाना पड़ेगा, चल आजा जल्दी से यार, मैं जा रहा हूँ सूट चुराने टीवी मैन के। हाँ सुन भैया चलो। अरे सुमित भैया, यहाँ पर क्यों लेके आए हो? यहाँ पर कौन सा सूट है? पानी के अंदर है क्या कोई? अबे नहीं सिंचन, यहाँ पर नहीं है। फिर सुमित भैया क्यों आए हो यहाँ पर, पागल हो क्या? अबे नहीं, मतलब पानी के अंदर नहीं, देख सामने वो घर देख रहा है। हाँ सुमित भैया बहुत ही बड़ा है। अभी रुक, देख तेरे को दिखाता हूँ स्नाइपर से। तो गाइस यार, ये असल में एक बिलियनर का घर, और देखो वो रहा, वहाँ पर एक टीवी मैन का सूट देखो, ब्लू कलर का दिख रहा है ना। हाँ सुमित भैया दिख रहा है। और भाई यहाँ पर देखो कितनी ज्यादा सिक्योरिटी, और वो रहा वो सूट यार, वो सूट मुझे किसी हाल में चाहिए यार। अरे सुमित भैया कैसे लेंगे, वहां पर तो सिक्योरिटी है। अबे सिंचन, वही तो प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ दिमाग लगाना होगा यार, जिससे अपन वो सूट ले सके। अरे सुमित भैया, एक काम करो, उनको बोलते हम लोग क्लीनिंग वाले हैं, तुम्हारा सूट क्लीन करने आए हैं। अबे सिंचन, बात तो तेरी एकदम सही है। हाँ सुमित भैया यही कर लो, तुम एक काम करो जल्दी सी, वो जो सफाई करने वाले होते हैं ना, उनके कपड़े पहन लो, और उनके बाद उनको बोलेंगे कि हम यहाँ पर सूट की सफाई करने आए हैं। हाँ सिंचन, चल 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 जल्दी आ जा। अरे हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे भाई साहब, मैं सूट साफ करने वाला हूँ, आपके बॉस ने मुझे बुलाया, उनके पास एक टीवी मैन का सूट है, वो उसे साफ कराना चाहते हैं। हाँ हम सूट साफ करने आए हैं। बॉस ने वैसे मुझे बताया नहीं है, पर ठीक है, उनके पास एक सूट तो है, जाओ ठीक है, तुम अंदर जा सकते। ओके चलो गाइस यार, काम बन गया, आजा सिंचन। हाँ ऐसे मैं भी आ रहा हूँ। तो चलो गाइस यार, अब जल्दी से जाता हूँ, और कैसे करके उस सूट को बस एक बार अगर मैं अपने पास ले आया ना, तो भाई उसको लेके यहाँ से फरार हो जाऊंगा। ओके तो गाइस यार, कहाँ से ये घर के रास्ता समझ में नहीं आ रहा मेरे को, यहीं पर था यार वो सूट, कहाँ गया? ओ गाइस यार देखो, यहाँ पर ये रहा नीचे। चलो गाइस, यहाँ से नीचे जंप मार देता हूँ। हे तुम कौन हो? अरे अरे भाई साहब रुको रुको, मैं असल में सूट साफ करने वाला हूँ, मैं आपके बॉस से बात करता हूँ, रुकिए। हेलो सर जी, हेलो, कौन है आपका, किसका सूट है ये? अरे हमारा सूट है, बोलो कहाँ चाहिए तुमको? अरे मैं क्लीनिंग वाला हूँ, आपका सूट बहुत ज्यादा गंदा हो गया, अगर उसको साफ नहीं किया गया ना, तो वो गंदा ही हो जाएगा, बिल्कुल खराब हो जाएगा, इसलिए मैं इसको साफ करने आया हूँ। अरे अच्छा अच्छा, सही कह रहे हो यार, जब से मैंने खरीदा इसको साफ ही नहीं करवाया। हाँ ठीक है, तुम इसे साफ कर लो। ओके ओके, तो मैं इसको साफ करता हूँ, एक सेकेंड, आप थोड़ा दूर होएंगे, मैं चेक कर लेता हूँ। आपके सूट में तो बहुत ज्यादा गंदगी हो गई है, एक साल से इसको धोया नहीं है, ये तो कभी भी खराब हो सकता है। मेरी बात मानने तो मैं अपनी शॉप पे ले जाता हूँ इसको, इसको साफ करने के लिए, अगर इसको साफ नहीं करवाया तो क्या पता आने वाले एक महीने में बिल्कुल टूट टाट के खराब हो जाए। मेरी बात मानिए, इसको मैं साफ कर दूंगा बिल्कुल बहुत ज्यादा सस्ते दामों में। तेरे क्या कह रहे हो, मेरा सूट एक महीने में खराब हो जाएगा? नहीं नहीं, मुझे मेरा सूट खराब नहीं करना, तुम एक काम करो प्लीज, मेरे सूट को ले जाओ और इसको साफ करके लिए प्लीज अपनी दुकान पर ले जाओ। मानना पड़ेगा सर, आप तो सही में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट निकले, आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, मैं आपके सूट को अभी साफ करके लाता हूँ, आधे घंटे के अंदर आधा सूट मेरे साथ। ठीक है सर, मैं आपके सूट को साफ करके लाता हूँ। हाँ ठीक है। ओके तो चलो गाइस, यहाँ से निकलते हैं जल्दी सी। ओ गाइस यार, मैंने तो उसको पागल बना दिया। अरे जाने का रास्ता कहाँ है सर? अरे वहाँ से। हाँ सॉरी सर सॉरी। चलो चलो गाइस यार, जल्दी से यहाँ से सूट को लेके निकलता हूँ, जल्दी भागो। अरे हट जाता भाई। अरे सुमित भैया, तुमने तो उसे पागल बना दिया, सूट ले लिया। अबे सिंचन, वो सही में पागल था यार। भाई यार, ये अमीर लोग इतने अमीर हो जाते हैं, इनके बच्चों को अंदर कोई दिमाग ही नहीं होता यार। चल चल चल, अपने घर लेके चलते जल्दी सी। हाँ सुमित भैया, मेरे लिए तो रुको, कहाँ भागे जा रहे हो? हाँ घर लेके चल रहे हैं सूट को, जल्दी सी, लेट्स गो, भागो यार जल्दी। ओ गाइस यार देखो, मेरे पास तो हो चुके दो सूट, और ये नया वाला कितना ज्यादा रंग बिरंगा यार, पहले वाला तो कितना ज्यादा अजीब है। हाँ सुमित भैया, ये वाला तो बहुत अजीब है, चला तो चलते जल्दी सी। अरे सुमित, अब कहाँ जा रहे हैं? अब यार और सूट ढूंढने जा रहे हैं। अरे सुमित,
मुझे और सूट कहाँ मिलेंगे? आज की ताजा खबर, म्यूजियम में आज का एक खतरनाक वाला टीवी मैन सूट, आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा। बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं देखने के लिए सूट को। आप भी आ जाइए जल्दी से, इससे पहले कि इसको ले जाया जाए यहाँ से। अरे भाई सिंचेन, अरे कहाँ गया? अरे समझे मैं नीचे आ गया। अब रुक जा, अभी बताता हूँ तेरे को एक न्यूज आई है खतरनाक वाली। एक सेकंड यार, ये कहाँ चला गया? अरे कहाँ है? अरे सुमित भैया यही हूँ। अब कहाँ मुझे इतनी दिखाई दे रहा? अरे सुमित भैया ऊपर। अरे भाई साहब न्यूज आई है। कैसी न्यूज आई है सुमित भैया? अब भाई साहब यार, असल में जो अपना वो है ना, क्या कहते हैं, म्यूजियम, हाँ फिर वहाँ पर यार एक बहुत ही खतरनाक वाला टीवी मैन का सूट आया, चलो उसे लेने चलते हैं। हाँ सुमित भैया जल्दी चलो, बैठ बैठ जल्दी बैठ मोटरसाइकिल ऊपर, लेट्स गो गाइस, खतरनाक वाला सूट लेने जा रहे हैं हम लोग। अरे सुमित भैया ये पुलिस की गाड़ी कहाँ से लेके आए हो? अब सिंचन यार ये असल में फिल्म में यूज होती है। क्या फिल्म में? हाँ फिल्म स्टूडियो में होती है क्या? हाँ ठीक है फिर। अबे यार वहाँ से एक कपड़े लेके आया हूँ और वहीं से मैं ये गाड़ी लेके आया हूँ, क्योंकि यार अगर मेरे को ये सूट चुराना है ना तो उसके लिए मेरे को प्लानिंग करनी पड़ेगी, और तेरे भाई ने पूरी प्लानिंग कर ली। फिर से मैं करने के वाले हो? रुक जा अभी बताता हूँ तेरे को। सबसे पहले तो यार गाड़ी को पास लेके जाता हूँ बिल्कुल। कौन लेके जा रहा हूँ गाड़ी को? Hands up! तुम लोग यहाँ पर ये सब क्या कर रहे हो? इतनी सारी भीड़ क्यों जमा कर रखी है? अरे सर हमने नहीं की है, यहाँ पर असल में खतरनाक वाला सूट है, उसे देखने के लिए पब्लिक आई हुई है। अच्छा इसलिए यहाँ पर आई हुई है? मैं उसे सूट को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। hey, सभी लोग यहाँ पर भीड़ क्यों जमा कर रखी है? हाँ, भीड़ क्यों जमा कर रखी है? चलो यहाँ से, बहुत ज्यादा भीड़, तुम्हें पता नहीं है कोरोना वायरस चल रहा है और यहाँ पर तुम लोगों ने भीड़ लगा रखी है। निकलो यहाँ से, निकलो, कोई ना कोई वायरस फिर से फैल जाएगा। अरे तुम इधर आओ। हाँ क्या हो गया? अरे काय को भैया क्यों धक्का मुक्की कर रहे हो, क्या हो गया? दिख नहीं रहा तेरे को? मैं असल में एक पुलिस वाला हूँ और तुम मेरे को हैं, तुम मुझे, तुम लोगों की ऐसी तैसी, तुम लोग मुझसे सवाल जवाब कर रहे हो, उठा के जेल में डाल दूंगा। अरे सर माफ कर दीजिए, क्या करना है? एक काम करो, जल्दी से सूट को बाहर निकालो, मैं उसको पुलिस स्टेशन लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि इसकी वजह से इतनी सारी भीड़ हो रही है यहाँ पर। लो सर हमने ये सूट बाहर निकाल दिया। चलो भाई साहब सूट मिल गया, अगर तुम्हें चाहिए ना जिसका भी सूट है, तुम्हारा बॉस जो भी होगा ना उसको पुलिस स्टेशन भेज देना। ठीक है सर पुलिस स्टेशन भेज देंगे। चलो सूट आओ मेरे साथ, यहाँ से चलते हैं। ओके तो गाइस यार जल्दी निकलता हूँ यहाँ से, बाहर लौट लो। अरे सुन रे जल्दी चलो। ओके कोई भी हिलेगा नहीं, पुलिस यहाँ पर आ चुकी है, कोई भी नहीं लेगा। हाँ, कोई नहीं लेगा यहाँ से, हम इस सूट को लेके जा रहे हैं, किसी को अगर ये सूट चाहिए तो पुलिस स्टेशन में से ले लेना, ये आज से पुलिस की अमानत है, भीड़ लगा रखी फालतू की यहाँ पर। अरे सुमित भैया तुमने तो सूट निकाल लिया, पागल बना दिया सबको। अबे सिंचन मैं हुई इतना इंटेलिजेंट यार? ओके तो चलो गाइस यार लेट्स गो, चल यार सूट को लेके यहाँ से निकलता हूँ, किसी को शक ही नहीं हुआ कि मैं एक नकली पुलिस वाला हूँ। हाँ सुमित भैया तुम इतनी तगड़ी वाली जो एक्टिंग करते हो, किसी को शक कैसे होगा। तो चलो गाइस चलते हैं जल्दी से अपने घर पर इस सूट को रखने के लिए, हमारे पास अब 3 सूट हो गए, बल्ले बल्ले। गाइस यार ये देखो सबसे पुराना वाला सूट, और ये तो अभी मैं नए चुरा के लेके आया हूँ। अरे सुमित भैया ये ड्रेस उतार दो, पुलिस वाले मारेंगे वरना। अरे सुमित भैया अब इस ड्रेस को उतार दो वरना पुलिस वाले मारेंगे। अबे सिंचन उतारता हूँ, पर गाइस यार काश मेरे को 2 सूट और मिल जाए, वैसे पता है ना क्योंकि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। हाँ सुमित भैया काश यार 2 सूट और कहीं से मिल जाए मेरे को, फिर मेरे पास 5 सूट हो जाएंगे। चल यार सिंचन और सूट ढूंढने चलते हैं। हाँ चलो जल्दी चलो। ओ गाइस यार जल्दी मिल जाए मेरे को 2 सूट और उसके बाद मजा आ जाएगा। अरे सुमित भैया यहाँ पर क्या करने आए हो? सिंचन सुन, सामने है ना? हाँ क्या है सामने? वहाँ पर असल में एक बार की दुकान है। फिर क्या कर रहे हैं वहाँ पर? जो बार है ना वो असल में एक लड़की है, और उसके पास असल में एक टीवी गर्ल है। क्या सुमित भैया टीवी गर्ल? हाँ सोच, अगर तू मेरी हेल्प करे तो मैं उस टीवी गर्ल को ला सकता हूँ तेरे लिए। सुमित भैया कैसे, बताओ क्या करने वाले हम लोग? सुन तुझे सिंपली मैं जैसे उस गाड़ी को रोकूंगा ना उनकी दुकान के आगे, तू दे उतर के जाना, उस लड़की का ध्यान भटकाना है, ठीक है? हाँ ठीक है सुमित भैया, लड़की का ध्यान तो मैं भटका लूंगा, तुम जाओ जल्दी से अब। ओके चल मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ। हाँ ठीक है सुमित भैया, रोको। चलो सुमित हट जाओ आगे से, अब मेरा काम है। कहाँ पर है? अरे दीदी, हेलो दीदी, बात सुनो ना मेरी, आप तो बहुत ज्यादा सुंदर हो। मेरा नाम है सिंचन नोहारा और मैं 5 का हूँ, क्या आप मेरे साथ शिमला मिर्च खाना पसंद करोगी? अरे बच्चे कौन है तू? अरे दीदी बात तो सुनो। अरे अरे क्या बकवास बच्चे? अरे दीदी बात तो सुनो। शाबाश सिंचन शाबाश। अरे दीदी दीदी बात तो सुनो, मेरे साथ चलो झुमरी तलैया 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 करेंगे। अरे दीदी बात मानो मेरी। अरे ये किसका बच्चा है? बचाओ मुझे, बचाओ प्लीज। सुमित भैया भगा दिया, उसके पीछे जा। हाँ ठीक है। अरे दीदी कहाँ जा रही हो? रुको देखो ये रहा मैं आलू लू। तो गाइस यार सिंचन उसे लेके जा चुका, मैं जाता हूँ अंदर, सबसे पहले तो मैं गन निकाल लेता। गाइस यार मेरे हाथ में यहाँ पर गन। ओके
ओ भाई साहब, यहाँ पर तो अंदर एक और लड़की है। शिट 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 शिट, दो लड़कियां और हैं, इनको भी मारता हूँ। तो गाइस यार, मैंने दोनों को मार डाला। ये रही वो टीवी गर्ल जिसको मैं लेने आया हूँ। ओए चल मेरे साथ आ जा। तो चलो गाइस यार, ये उठा लिया मैंने टीवी गर्ल, यहाँ से निकलता हूँ जल्दी सी। अरे सुमित भैया, अब आ जाइयो, गाड़ी लेके नहीं जा रहा, मैं पैदल भाग रहा हूँ। ओ गाइस यार, जल्दी भागो यहाँ से, मेरे को टीवी गर्ल मिल गई। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, भागो यहाँ से जल्दी सी। ओ गाइस यार, पुलिस आ जाएगी पीछे। कहाँ जाऊँ कहाँ छुपूँ। अरे सुमित भैया, मेरे लिए तो रुको। अबे आ जाइयो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। गाइस यार, कहाँ से भागूँ, यहाँ से टप लेता हूँ जल्दी सी। लेट्स गो। अरे सिंचन, मुझे यहाँ क्यों लेके आया तू। अरे सुमित भैया, जो लास्ट वाला खतरनाक वाला सूट है ना, सबसे ताकतवर और सबसे मस्त दिखने में, वो यही मिलने वाला है। कहाँ पर? अरे सुमित भैया, ये रैंप चैलेंज को जीतने पर, ये सबसे बड़ा रैंप चैलेंज होने वाला है आज तक का, और जो इसे जीतेगा उसे मिलने वाला ये खतरनाक वाला टीवी मैन का सूट। देख रहे हो कितने ज्यादा टीवी है इसके सर के ऊपर, कितना ज्यादा मस्त है। अबे यहाँ पर कोई होना भी तो चाहिए मुझसे कंपटीशन करने के लिए, वरना तो विनर तो मैं ही हूँ। अरे किसने कहा कि कोई नहीं है यहाँ पर? अबे ये लोग कौन है? अरे मैं हूँ सुमित। अरे आयरन मैन, स्क्रिप्टेड टॉयलेट, तुम लोग क्या क्या कर रहे हो? मुझे असल में वो टीवी मैन का सूट चाहिए, मुझे भी चाहिए। ओ गाइस यार, मुझे इन लोगों के साथ रेस लगानी होगी, इस रैंप को चैलेंज को कंप्लीट करना होगा। हम में से जो जीतेगा उसे मिलने वाला है वो सूट या और खतरनाक वाला, और मुझे मेरी कलेक्शन तो पूरी करनी है, तो मुझे तो वो चाहिए चाहिए किसी भी हाल में। मैं चाहता हूँ सबसे पहले। ओके तो गाइस, यहाँ पर ये स्क्यूबी टॉयलेट लेके जाने वाला है कौन सी गाड़ी? मैं ये लेके जाऊंगा। ओके तो गाइस यार, यहाँ पर ये वोल्टिक गाड़ी लेके जा रहा है, ये असल में एक इलेक्ट्रॉनिक कार है बैटरी वाली। तो गाइस यार, देखते हैं क्या यहाँ पर ये जीत सकता है या नहीं जीत सकता। अरे सुनते, ये तो बिल्कुल भी नहीं जीतना चाहिए, देख लेना वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और गाइस यहाँ पर इसने लगाई है जंप, पूरा बॉय सब, ये क्या कंप्लीट कर देगा सिंचन इसे? सुमित भैया, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। ओके तो गाइस, यहाँ पर ये बाइक काफी स्पीड से आगे जा रहा, क्या ये जीत पाएगा? ओ भाई साहब, ये तो मेरे हिसाब से जाने वाला है बूम बेबी। अबे इसकी तो बैंड बज गई सिंचन। अरे सिमरा, ये तो गया पानी के अंदर, बैंड बज गई इसकी तो डिस्क्वालीफाई होता है ये तो। अरे इसके भी टॉयलेट तो हार गया, पर मैं नहीं हारूंगा, मैं लेके जाने वाला हूँ ये खतरनाक पतली दुल्हन, ये एकदम तेज चलेगी। ओके तो गाइस यार, यहाँ पर ये भी लेके जाने वाले एक इलेक्ट्रिक कार, देखते क्या यार आयरन मैन कुछ कर सकता है। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बस तुम लोग देखना। ओके तो गाइस यार, यहाँ पर ये जा रहा है, और ये लगा भाई आयरन मैन ने खतरनाक वाली जंप, क्या आयरन मैन इसे कंप्लीट कर देगा? उसकी गाड़ी तो यार बहुत ज्यादा रोल हो रही है। सुमित भैया क्या होगा, पता नहीं सिंचन। ओ माय गॉड, ओ बच गया भाई बार साहब, भैर भैर बचिया, वरना बहर ही चला जाता। वो तो बच गया, और अरे गया, बच गया भाई फिर से। सुमित भैया, ये तो नहीं लेके जाने वाला ना कहीं पर उस सूट को? वो तो मुझे पता नहीं सिंचन। तो गाइस यहाँ पर आयरन मैन जा रहा है फुल स्पीड में, देखते हैं क्या करेगा। मैं ही जीतूंगा, देख लेना। ओ माय गॉड, यहाँ पर भाई आयरन मैन ने मार दिया एक और धाशु जंप, और ये भाई फिनिश लाइन के बहुत ज्यादा करीब है। ये क्या इसको कंप्लीट कर पाएगा? और ये गाड़ी इसकी टकराई है, और ये क्या, ये तो नीचे गया। अरे ये क्या, ये मैं तो नीचे जा रहा हूँ, बचिया हूँ मेरे को कोई तो। तो गाइस यार, यहाँ पर आयरन मैन भी होता है डिस्क्वालीफाई अब। ओके तो गाइस यार, अब मेरी चांस है, अब मैं लेके जाने वाला हूँ इस वाली गाड़ी को। ओ माय गॉड, ये गाड़ी के अंदर मैं बैठ क्यों नहीं पा रहा, आखिर क्या चक्कर है? तो गाइस यार, यहाँ पर जो गाड़ी खड़ी थी ना, वो असल में खराब गाड़ी थी, उसके अंदर कोई ना कोई मैन्युफैक्चर डिफेक्ट था, इसलिए हमने एक और नई गाड़ी मंगाई हमारे लिए। तो गाइस यार, उस गाड़ी को रिप्लेस करवा के मैंने मंगवाई एक कस्टम कार। यार ये वाली गाड़ी से बहुत तेज होने वाली है। अरे सिमरिया, देखते हैं तुम क्या कर पाओगे, पर तुम्हें ही जीतना है। ओके तो गाइस यार, यहाँ पर हमारी हो चुकी है शुरुआत, और देखते हैं कि हम लोग क्या कर पाएंगे। ओ माय गॉड, यहाँ पर लगा दिया खतरनाक वाला बूस्ट, और ये हमारी बहुत तगड़ी वाली जंप, देखते हैं यार हमारी जंप कैसी होने वाली है। अरे सुमित भैया, बाहर जाओगे? ओ नो 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 नो, बच गया भाई सब बार बार। अरे सिंचन, अरे सुमित भैया कंट्रोल करो। ओ गाइस यार, इसका बूस्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्या मैं ऊपर पहुंच पाऊंगा वापिस? अरे भाई साहब, अरे सुन ले, पहुंच जाओगे। ओ भाई साहब, फुल ट्राई कर रहे तुम्हारे भाई ऊपर जाने की वापस। अरे ये भी डिस्क्वालीफाई होगा। ओ गाइस यार, आयरन मैन टेंशन मत ले, मेरे पास असल में ये बूस्टर वाली गाड़ी है, और मेरे को लगता है ये बूस्टर वाली गाड़ी मेरे को धोखा नहीं देने वाली कहीं तक भी। अरे सुमित भैया, पानी में जा रहे हो, नीचे कुछ तो करो। भाई सिंचन, मैं मेरी पूरी ट्राई कर रहा हूँ बूस्ट मार मार के वापस लाने की प्लेटफॉर्म पे, अब मैं तो प्लेटफॉर्म से बहुत ज्यादा दूर चला गया। अरे सुमित भैया कुछ तो करो। अब भाई सब कर रहा हूँ सिंचन, रो मत। ओ गाइस यार, मैं तो काफी ऊंचाई पे आ गया, मेरे हिसाब से मेरे को पैराशूट खोल देना चाहिए। सुमित भैया कुछ भी करो, पर करो। ओके तो गाइस यार, मेरे को लगता है मेरे
को यहाँ से पैराशूट ही खोल देना चाहिए, मैं इस गाड़ी से तो नहीं पहुंचने वाला यहाँ वहाँ पर। ओके तो यार यहाँ पर हम लोग काफी अच्छी डाइविंग मारते हुए नीचे जा रहे हैं। अरे समित भैया प्लीज पहुंच जाना वहाँ पर। ओके सिंचन पहुंच जाऊंगा। ये भाई साहब एक और बार हम फुल स्पीड में नीचे जा रही है, खोला पैराशूट और ये मेरे हिसाब से मैं पहुंच जाऊंगा। और मैं ये क्या, ओ भाई ये क्या, मैं तो हारने वाला हूँ। अरे भाई साहब ये क्या हो रहा है, मैं हारने वाला हूँ। नहीं 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 मैं हार नहीं सकता, मैं पहुंच जाऊंगा। और भाई साहब बार बार बचा, ओ माय गॉड क्या रेस थी यार, क्या खतरनाक वाली। और गाइस यार मुझे मिलता है ये सबसे पावरफुल वाला टीवी मैन का सूट। चलो गाइस यार इसको लेके घर चलते हैं। अरे भाई तो गाइस यार फाइनली मेरी कलेक्शन कंप्लीट हो गई, यहाँ पर मेरे पास 5 टीवी वाले सूट हो गए। तो गाइस यहाँ पर ये पहला जो हमारे पास पहले से था ये हो गई टीवी गर्ल, और यहाँ पर अपना जो अपन सबसे पहले चुराया था, और उसके बाद देखो ये यार जो अभी मैं चुरा के लाया हूँ रैम चैलेंज जीत के, चुरा के नहीं इसे तो मैंने जीता है यार। और गाइस लास्ट में बचता ये वाला सबसे खतरनाक, देखने में नहीं खतरनाक तो ये है। अरे सिंधिया कौन सा खतरनाक, गाइस तुम लोग बताओ इनमें से सबसे खतरनाक कौन सा सूट लग रहा है। और गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार भूले भटके आए थे आज से सब्सक्राइब कर देना, और हम मिलेंगे इसको नए गेम प्ले में नई स्टोरी के साथ। जब तक के लिए सायोनारा।